रात के 3:30 बजे है। सो आज मैं पहली बार भाई रात के इतने बजे में व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। सो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो गाइस। तो आप लोगों को मैं इतने टाइम से मेरी दिन की लाइफ में दिखाता था कि मैं दिन में ये करता हूँ, वो करता हूँ, वहाँ पर जाता हूँ, ये करता हूँ, लेकिन आज तक मैंने मेरी नाइट लाइफ नहीं दिखाई है कि रात को मैं क्या क्या करता हूँ और रात में भाई हमारे घर में क्या क्या लोग करते हैं। तो भाई देखो अभी रात के 3:30 बजे है। अभी आप मेरी शक्ल देख के आप नहीं बोलोगे कि भाई विश्व भाई को अभी नींद आ रही है, कोई एंगल से अभी मुझे नींद नहीं आ रही है। जस्ट अभी मैंने थोड़ा बहुत खाना खाया और पीछे देखो टीवी चालू है, मैं मूवी देख रहा था। बिकॉज देखो गाइस जो हमारी मेन चैनल है विवा फोरल, उसका कल वीडियो आने वाला है, तो उस वीडियो की एडिटिंग आकाश भाई करते हैं। और बस थोड़ी देर पहले आकाश भाई की एडिटिंग खत्म हुई, भाई ने वीडियो अपलोड करने के लिए रखा और उसमें जो सारी डिटेल्स भरने को होती है ना वो मैं भरता हूँ, तो वही सब अभी मैंने निपटाया और भाई अभी मैं फ्री हो गया हूँ। और वैसे भाई चलिए अभी नीचे जाके देखते हैं कि पापा क्या कर रहे हैं। पापा भी लेट नाइट तक जगते हैं कोई कोई बार, और जब से मम्मी गई है तब से तो भाई रोज का हो गया है पापा का। पापा यहाँ पर ही बैठे हैं अपनी फेवरेट जगह पे और देखो भाई मूवी दिख रहा है। और ये आप किचन की हालत देख लो भाई, सारे गार्लिक ब्रेड, फिर पिज्जा, बहुत सारी चीजें मैंने मंगवाई थी आज, तो उसी के सारा बॉक्सेस है। और वैसे आज हमने 4-5 दिन के बाद फूड ऑर्डर किया था, और वैसे सिर्फ मैंने ही किया था, ये आकाश भाई ने भाभी ने कोई ने नहीं खाया था, बिकॉज आज रात में जगने वाला था, तो इसलिए मुझे भूख तो बहुत ही लगती है रात को, तो इसीलिए मैंने ये ऑर्डर करा था। और जस्ट अभी मैंने खाना खाया और अभी मैं ये नीचे आया। भाई तो अभी जाग रहा है, सोया थोड़ी है, भाभी का भी फोन आया था। अच्छा ऐसा है और सब लोगों को हो क्या गया है। और बाहर अभी देखो तेज बारिश शुरू हो गई है। हमारी सिटी का एक पेज है इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पर हमारी सिटी के सारे अपडेट्स वो लोग देते हैं। तो ये हमारा वडोदरा एयरपोर्ट का हाल देखो, कितना पानी भर चुका है, ये सारे व्हीकल्स है, 2 व्हीलर वो भी डूब गए है देखो, और एक कार है ना वो अधिक कार तक पानी आ गया है। और यहाँ पर सारे 2 व्हीलर्स की हालत देखो भाई, ये तो पूरा एक्टिवा डूब गया है। वो गुलाब नाम का जो साइक्लोन आने वाला था वो तो यहाँ पर नहीं आया है, लेकिन जो उसकी इफेक्ट थी सिटी तक पहुंची थी। तो आज के दिन तो बहुत ही तेज बारिश हुई थी और रात को बंद हो गई थी, लेकिन अभी जाके वापस से भाई तेज बारिश शुरू हो गई। ये अभी घूमने जाने का मेरा क्या होगा ना वो मुझे भी नहीं पता है। और अच्छा हुआ कि हम नहीं निकले घूमने के लिए। ऐसे भाई देखो घूमने जाने की बातें बहुत हो गई भाई, अभी सब कुछ जब क्लियर होगा ना तभी मैं जाऊंगा। बातें बहुत मैंने की कि जाना है, लेकिन अभी ये सब बीच में आ जाता है और अभी मेरा भी मूड खराब हो रहा है इसकी वजह से। अभी दूसरा जो काम है फिलहाल अपनी लाइफ में उस पर फोकस करते हैं। और वैसे आज बात भी मैंने बहुत ही लेट लिया था, लेकिन आज मैंने हेयर वॉश नहीं किया था, और जब मैं हेयर वॉश नहीं करता हूँ ना तो तब मुझे चैन ही नहीं पड़ता है। चलिए भाई हेयर वॉश कर लेते हैं। आज मैं यूज कर रहा हूँ ये वाव स्किन साइंस का एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू। इसमें 100% प्योर अनफिल्टर्ड एंड अनपेस्टराइज्ड एप्पल साइडर विनेगर है, और साथ ही साथ स्वीट आलमंड ऑयल एंड आर्गन ऑयल, ये हेल्प करता है जेंटली डेटॉक्सिफाई करने में हेयर एंड स्कैल्प को। इसके मेन इंग्रेडिएंट्स है रॉ एप्पल साइडर विनेगर, ये रिच है विटामिंस, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट। वैसे ये एक सेफ एंड नेचुरल एंटी माइक्रोबियल है जो हेल्प करता है भाई फ्लेक्स एंड बिल्डअप्स को रिमूव करने में। और इसके अंदर जो सेकंड इंग्रेडिएंट्स है वो अपना भाई स्वीट आलमंड ऑयल, वो रिच है एसेंशियल फैट्स एंड विटामिन ई में जो नरिश करता है हेयर को एंड साथ ही साथ स्कैल्प को। और उसका जो ये थर्ड मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है अर्गन ऑयल, वो रिच है ओमेगा 6 फैटी एसिड में जो हेयर को भाई सॉफ्ट एंड मॉइस्चराइज रखने में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट मैं यूज करूंगा ये वाव स्किन साइंस का कोकोनट एंड अवाकाडो कंडीशनर। ये एनरिच है कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन कोकोनट ऑयल, अवाकाडो ऑयल एंड विटामिन B5 एंड ई से, ये हेल्प करता है रिपेयर एंड रिवाइव करने में वीक, थिन एंड डैमेज हेयर को। इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये हेल्प करता है अपने हेयर को हाइड्रेट रखने में। और इसका जो सेकंड मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है अवाकाडो ऑयल, वो प्रिवेंट करता है अपने हेयर ब्रेकेज को एंड वो नेचुरल सनस्क्रीन की तरह सेव करता है अपने हेयर को सन डैमेज से। थर्ड जो इंग्रेडिएंट्स है वो है वीट प्रोटीन, वो हेल्प करता है डैमेजेस को रिपेयर करने में एंड साथ ही साथ कैटिकल्स को स्मूथन करने में, और ऐड करते हैं नेचुरल थिकनेस एंड बाय वॉल्यूम स्ट्रेंथ में। दूसरा जो इंग्रेडिएंट्स है वो है विटामिन B5 एंड ई, वो सपोर्ट करते हैं अपने हेल्दी हेयर को ग्रोथ करने में। और वैसे गाइस इन शैम्पू एंड कंडीशनर में 93% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। वाव स्किन साइंस इंडिया की एक ऐसी ब्रांड है कि इनके सारे प्रोडक्ट्स बाय हार्श केमिकल फ्री होते हैं, जैसे नो पैराबेन, नो सिलिकॉन, नो मिनरल ऑयल एंड नो आर्टिफिशियल कलर्स। आप ये QR कोड स्कैन करके प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हो। और ये वाव स्किन साइंस की आप सारी प्रोडक्ट्स परचेस करना चाहते हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो वहां से जाकर आप सारी प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हो। गेट गॉर्जियस हेयर टुडे, सो बी वाव नेचुरली। और अभी मैं वापस से नीचे आया और पापा का यही हाल है। अभी पापा ने मूवी बंद कर दिया। क्यों पापा अभी सोने जाना है? अभी हाईलाइट देखता हूँ।
ओहो क्या बात है, और ये कौन आ गया भाई? आजा आजा, तेरी कमी थी। सुबह 4 बजे कौन ब्लॉक करता है? मैं करता हूँ, विश्व जोशी ब्लॉक करता है। मैंने ऑर्डर किया था, अभी सारा सफर चट कर दिया मैंने। कुछ नहीं है खाने के लिए। नहीं, तेरे लिए मैंने पिज्जा रखा है थोड़ा। ये मैं खाऊंगा, ये मेरी है। तेरा पिज्जा मैंने रखा है, वो ये लाल है। गरम करके दे, ऐसा कौन खाएगा? तो अंदर रख दे, मैं गरम कर देता हूँ। ओहो इतना ही, ये तो देख तो सही कितना कम है भाई। हाफ मैंने खाया, हाफ तेरे लिए रखा मैंने। गरम करके ले भाई तेरा पिज्जा। थैंक यू, नहीं तो फिर ठंडा हो जाएगा। और ये तेरी ठंडी ठंडी पेप्सी। ओए होए होए, वैसे अभी मैंने ये चॉकलेट लावा केक मैंने गरम की, लेकिन इसके अंदर चॉकलेट सिरप है ही नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ ये ड्राई ही है। देख भाई ये कैसी है चॉकलेट लावा केक, उसका लावा अलग से दिया होगा देख। नहीं भाई कुछ नहीं है अलग, तेरे पैसे गए पानी में और क्या। चल भाई, बाय बाय बाय। भाई तो चला अभी सोने के लिए, पापा भी गए सोने के लिए, और अभी बस मैं भी थोड़ी देर में सो ही जाऊंगा। मैं पापा तो कब के रूम के अंदर चले गए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पापा अभी भी जाग रहे हैं। चलिए देखते हैं जाके। पापा आप जाग रहे हो? हाँ, तो अभी नींद नहीं आती तो क्या कर रहे? मैंने बोला था कि पापा जाग ही रहे होंगे, और वो ही निकला देखो। पापा ऐसे हमको तो नहीं बोलते कि मम्मी के बिना पापा को मन नहीं लगता है, लेकिन देख के तो पता चल ही जाता है कि भाई जब से मम्मी गई है ना, तब से पापा का कोई चीज़ में मन लगता ही नहीं, और पापा को ढंग से नींद भी नहीं आती है। और मम्मी के जाने के बाद घर में सबको ऐसा अधूरा अधूरा लगता है भाई, लेकिन क्या करें। अभी मम्मी को जाने का था, और मम्मी का भी अंदर से मन था कि वो मेरी जो ट्रीटमेंट है वो मैं अभी मैं करवा के ही घर आऊँ, लेकिन कोई नहीं, अभी कुछ ही दिनों की बात है, मम्मी भी अभी थोड़े दिनों में आ ही जाएगी। सुबह के 4:30 बजने को आए हैं, तो चलिए अभी फिलहाल सो जाते हैं। और वैसे अभी मैं कितने बजे उठूंगा वो मुझे ही नहीं पता है। पापा भी अभी नीचे जग रहे हैं, पापा को भी नींद नहीं आ रही है, मुझे भी नहीं आ रही है, भाई को भी नहीं आ रही है, ना भाभी को आ रही है, फिर क्या होगा हम सबको भी नहीं पता है। लेकिन कोई नहीं, चलो अभी मैं सोने का ट्राई करता हूँ, और अभी मैं सो ही जाऊँगा थोड़ी देर में, और फिर अभी उठकर मैं आप सबको मिलता हूँ। सोने का मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आई, और अभी टाइम हो रहा है 8:51। इतने घंटों तक तो मैं ट्राई करता रहा कि मुझे नींद आ जाए, लेकिन नींद आई नहीं। लेकिन आज नींद नहीं आई तो भाई क्या हुआ, आज इसका फ़ायदा उठाया जाए। तो भाई चलिए, आज बाहर मौसम बहुत ही बढ़िया है, तो अभी थोड़ा चक्कर मार के आते हैं। बहुत सालों बाद ये अपना आज GoPro मैंने निकाला है, और भाई इसका जो मिनी ट्राइपॉड आता है वो भी मैंने लगा लिया है। रात को तो बारिश हुई थी, और अभी भी हल्की फुल्की बारिश हो ही रही है। बाहर अभी मौसम बहुत ही बढ़िया हो रहा है, और हल्की फुल्की बारिश हो रही है, और भाई अपना मैंने फेवरेट प्लेलिस्ट लगा दिया है। तो चलिए अभी छोटे से एक लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। वैसे अभी मैं सोच रहा हूँ कि एक अच्छी सी जगह पर जाऊँ। ये जो आपको डिस्प्ले में एरर दिख रहा है ना, वो मेरा पार्किंग सेंसर का एरर आ रहा है। बिकॉज जब जब बारिश गिरती है ना, तो वो मेरे सेंसर के अंदर थोड़ा पानी चला जाता है, तो उसकी वजह से वो एरर शो कर रहा है। जब भी बारिश होती है, जब वो एरर दिखाता है, तो मेरा पार्किंग सेंसर में एकदम क्लीन कर देता हूँ, तो वह एकदम मस्त चलता है। गीले हो जाते हैं, फिर से वो बिगड़ जाते हैं। वो अभी मुझे दिखाना पड़ेगा, लेकिन अभी ये फर्स्ट सर्विस में मैं रखूँगा, मैं तब भी दिखाऊँगा, ये इतना बड़ा भी इश्यू नहीं है। महिंद्रा की कार्स भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है, लेकिन सर्विस में थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए, और थोड़ी क्वालिटी में, बिकॉज इसके जो सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है उसकी क्वालिटी थोड़ी और बेहतरीन हो सकती थी। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, लेकिन कोई एंगल से लग नहीं रहा है मुझे, बिकॉज आज का मौसम देखो कितना मस्त है। सुबह सुबह यहाँ पर ट्रैफिक देखो कितना ज़्यादा हो गया है, क्या करे भाई, ये ऑफिस टाइमिंग है ना, अभी तो ट्रैफिक तो रहेगा। राइट मारते हैं, बिकॉज लेफ्ट तो अब उनको जाना नहीं है, बिकॉज ट्रैफिक देखो बहुत ही ज़्यादा है। तो अभी मैं जा रहा था नदी के किनारे, क्योंकि वो एक जगह है ना भाई अपनी सिटी के पास, वो कोटना, वो सबको पता है जो वडोदरा में रहते हैं उनको। घर से मस्त मैं मूड बना के निकला था कि भाई चलो वहाँ पर जाते हैं, और अभी थोड़ी ज़्यादा तेज़ बारिश शुरू हो गई है, तो अभी मैं थोड़ा डर रहा हूँ, बिकॉज भाई देखो वहाँ पर है ना सबकी कार बहुत ईजिली फंस जाती है, और आज तो मैं अकेला निकला हूँ, मेरी हेल्प करने में कोई नहीं है, और ये अभी बारिश भी हो रही है ना, तो वहाँ पर जो गाँव वाले लोग होते हैं ना वो भी वहाँ पर नहीं रहते हैं। तो अभी मैं जाऊँ कि नहीं,
चलिए भाई देखते हैं। भाई डर के आगे जीत होती है, लेकिन ये अभी डर के आगे मुझे बारिश ही बारिश दिख रही है। कोई नहीं, चलिए भाई जाते हैं, अपनी सिटी में ही है ना, तो भी कुछ नहीं होगा, थोड़ा रिस्क उठा लेते हैं। ये पानी ना पूरे रोड के ऊपर भर चुका है, तो अभी मुझे बहुत संभल के कार ड्राइव करनी पड़ेगी, बिकॉज कहाँ पर बड़े गड्ढे और कहाँ पर छोटे वही मुझे नहीं पता चल रहा है। ऐसी हालत होती है ना तो मेरी तो फटती है। दूसरी गाड़ियां तो भाई रॉन्ग साइड जा रही है, लेकिन अपन नियमों का पालन करेंगे। बहुत ही बुरी हालत हो चुकी है यार वैसे ये रोड की। तो यहाँ पर आगे तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है, जैसे तैसे करके मैं मेरी कार निकल रहा हूँ। मेरी बहुत ही ज्यादा फट रही है, ये आपको कैमरे में उतना समझ में नहीं आएगा। फाइनली निकल गया, शुक्रिया भगवान का। ढक्कन खुला रहता है, कहाँ पर गड्ढे होते हैं कहाँ पर नहीं, हमारी गाड़ी पूरी घुस ना जाए भाई किसी गड्ढे के अंदर, ऐसा भी डर रहता है। बिकॉज बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे थे बारिश का मौसम में कि बहुत सारी गाड़ियां ऐसे अंदर चली गई। तो जाना पहचाना है, यहाँ पर ऐसी कुछ दिक्कतें नहीं आती है, लेकिन भाई होती है थोड़ी बहुत टेंशन। Muchas bendiciones que me falta, necesito tu paciencia, yeah, yeah, yeah. Hablando rico, hablando caro, con mi mente clara, yeah. Hay muchas bendiciones que me falta. और अभी यहाँ से मेन रास्ता शुरू हुआ है, तो ये नदी तक जाता है, तो आई होप कि भाई स्लर ज्यादा ना हो और अच्छे से मेरी कार निकल जाए। बिकॉज ये जो रास्ता है ना वो नदी तक का, वो बहुत ही ज्यादा पतला है। ये अभी सामने ट्रैक्टर वाले भैया आ गए तो उनको रिवर्स लेना पड़ा। अभी मैंने यहाँ पर ले ली कार और वो भैया पीछे से निकल गए। देखो पतला रास्ता है ना, तो इतनी ज्यादा दिक्कतें आती है। रास्ता तो सिर्फ एक ही है नदी तक का, कोई और ऑप्शन नहीं है मेरे पास, तो भी यहाँ से ही जाना पड़ेगा। और भी सामने से एक ट्रक आ रही है भाई, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दिक्कतें है, अभी मुझे यहाँ पर ही रुकना पड़ेगा। अब दिक्कतें देख लो कितनी ज्यादा बढ़ रही है मुझे। एक तो सामने वो ट्रैक्टर मिल गया, फिर ये अपने ट्रक, और मुझे यहाँ पर खड़ा रहना पड़ेगा। बिकॉज मैं आगे चला गया तो फिर मुझे रिवर्स लेना पड़ेगा, बिकॉज इतनी बड़ी ट्रक तो भाई रिवर्स जा नहीं सकती। यहाँ पर तो पीछे लंबी पूरी लाइन है। पानी आई गयु जिसका डर था वो ही हुआ। वो ट्रक वाले अंकल ने बोला कि भाई नदी में पानी आ गया है तो आगे मत जाओ, तो आपके लिए खतरा बन सकता है। तो भाई अपन अभी आगे नहीं जाएगा, यहाँ से यूटर्न ही मारेंगे। ये ट्रक वाले अंकल बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने बोला रुक के कि भाई आगे मत जाओ, आगे वो नदी का पानी है ना वो थोड़ा ऊपर तक आ चुका है। रिस्क नहीं लेना था मुझे, बिकॉज वो तो पूरा जो नदी का लेवल है ना वहां तक अपनी कार जाती है। और यहाँ पर भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता है। अभी फिलहाल तो अभी मुझे भुट्टा खाने का मन हो रहा है, तो भाई चलिए अभी खा लेते, बिकॉज अभी हल्की हल्की मुझे भूख लग रही है। वैसे मैंने रात को ही खाया था, वो भी बहुत ही लेट, लेकिन अभी भुट्टा देख के भाई मुझे मन हो गया। ऐसा मौसम हो और भाई साथ में भुट्टा मिल जाए आपको खाने में, तो फिर मजे ही है आपके। भैया एक भुट्टा बनाओ अच्छा वाला मस्त। खाने को मिल जाए फिर क्या चाहिए भाई आपको। ऐसा जगह पर अभी मुझे जाना था, लेकिन वो जगह पर तो अभी मैं जा नहीं सका, लेकिन कोई नहीं, अभी दूसरे कोई दिन मैं आऊंगा तो तब जाऊंगा। और वैसे अभी आगे मैं देख रहा हूँ ना तो बहुत ही काले काले बादल है। सिटी से अभी मैं थोड़ा ही दूर हूँ, तो अभी सिटी में तो बहुत ही तेज बारिश होगी ऐसा लग तो रहा है। भाई फिलहाल तो भैया भुट्टा खाते है। भाई पानी तो बहुत ही ज्यादा भर चुका है नदी में। यार मुझे लगा था कि थोड़ा सा ही पानी होगा, लेकिन यार ये तो पूरा भर चुका है। और यहाँ से मैं वो जगह देख रहा हूँ ना, तो भाई वो सारा कुछ कवर हो चुका है पानी से। भाई अच्छा हुआ मैं नहीं गया। कोई नहीं, चलो भाई अभी घर चलते हैं, भुट्टा तो भाई अपन ने खा लिया। और वैसे भाई देखो जो छोटे बच्चे देख रहे हैं वो भाई कभी भी ऐसी जगह पर मत जाना। और वैसे मैं इसलिए गया था ये जगह पे कि बिकॉज ये जगह मुझे मालूम थी, और बहुत सारे लोग ऐसे भाई बारिश के मौसम में जाते हैं, लेकिन आज मैंने देख लिया अभी जब बारिश होगी और बारिश का मौसम होगा ना तो ये सारी जगह पर अब से मैं नहीं जाऊंगा, आज देख लिया यार मैंने। यू टर्न मार के सीधा घर चलते हैं। ऐसे रास्ते देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई हिल स्टेशन के ऊपर आ गया हूँ। फिलहाल अभी हो क्या रहा है कि मैं इधर उधर घूम के भाई मैं खुद को समझा रहा हूँ, तू घूमने कहीं भी नहीं जा सकता है अभी, तू इधर उधर घूम के भाई अपने मन को शांत कर दे। जहां पर भी मैं जाने का प्लान करता हूँ ना कुछ बीच में आ ही जाता है।
आज भी देखो मुझे यहाँ पर वो नदी के किनारे तक जाना था बिकॉज वहां पर बहुत ही प्यारा नजारा है। वहां से वहां पर पहुंचने ही वाला था लेकिन वो ट्रक वाले भैया ने आकर भाई मेरी जान बचा दी कि मैं वही बोल सकता हूँ बिकॉज आज मैंने नदी में पानी देखा था बहुत ही ज्यादा था। और अच्छा हो कि उन्होंने सामने से बता दिया कि भाई पानी ज्यादा है तो आप आगे मत जाओ भाई, देर से ही सही लेकिन जाएंगे जरूर और अच्छे से घूमेंगे सारी जगह हम। बस ऐसा हो रहा है कि ये रास्ता खत्म ही ना हो भाई। फिलहाल तो अभी मैं घर जाकर व्लॉग एंड नहीं करूंगा, यहाँ पर ही करूंगा बिकॉज मैंने व्लॉग देखा तो भाई बहुत ही लंबा बन चुका है। इस व्लॉग को यहीं पर रखते हैं। तो अगर आपको ये आज का व्लॉग अच्छा लगा तो इस वीडियो को भूले बिना लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना बिकॉज हमारे 5 लाख सब्सक्राइबर्स होने ही वाला है। तो मिलते हैं हमारे अगले व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।